जवाब सुनो एक बार, कल हमने क्या देखा था? पर्सनालिटी टेस्ट, और आपने आई होप के आंसर से किए होंगे कुछ चीज ध्यान पे रख करके, वो चीज मैंने बताए थे कि पॉजिटिविटी होना चाहिए आंसर, आपका आंसर हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। आपका आंसर कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्ड वन होना चाहिए, है ना? आपका अपना पर्सनल व्यूज यहाँ पे जितना कम हो उतनी अच्छी बात है। होना क्या चाहिए कि भाई जो भी आप आंसर कर रहे हैं वो सकारात्मक होना चाहिए। आप मिल कर फिफ्थ सेक्शन कर रहे हैं, दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट, राइट? उस पर्सनालिटी टेस्ट में क्वेश्चंस कितने आते हैं? 35, राइट? और टाइम कितना लगेगा आपको? 15, है ना? 15 मिनट्स मिलेंगे और उसके अंदर आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, सारे मैंडेटरी क्वेश्चंस हैं, राइट? और कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। क्या एक ऑप्शन अगर छूट जाए तो अभी केएसएस चल रहा है, आपने देखा सीएचएसएल और सीजीएल के अंदर, सीजीएल का नहीं सीएचएसएल में बार बार अगर छूट जाए तो कहीं ना कहीं फिर वो कोई और डोर खोल देता है, राइट? तो हमें छोड़ के नहीं चलना, बिल्कुल 100% आपको मानना है कि हमें करके ही आना है, राइट? तो मे बी डिसक्वालीफाइड, द सिंपल आंसर वुड बी यू विल बी डिसक्वालीफाइड। तो बिल्कुल लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, टेक इट पॉजिटिवली कि भाई अगर हमने कुछ ऐसा किया तो यू विल बी डिसक्वालीफाइड। सो प्लीज फोकस ऑन योर इंस्ट्रक्शंस व्हिच वाज गिवन या व्हिच विल बी गिवन बाय द आरआरबी, राइट? ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन यहाँ पर भी है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड वन आंसर करने होते हैं। आप कभी अभी आप डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देते, हाँ डिप्लोमेटिक आंसर तभी देंगे आप जब क्या होगा, आप हाँ या ना नहीं कर पा रहे हो, है ना? चलिए कल आंसर मैच कर लेते हैं फटाफट कि कितना सही कितना गलत, है ना? हाँ, सीट नंबर हमने कल एक डिस्कस कर लिया था, आज सेकेंड सीट डिस्कस करता है। आपके पास सीट नहीं है, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर वन, सीट टू है, इफ यू आर सीनियर ऑफिसर, राइट? ये सीट टू है, इसका आंसर थर्ड है, सेकेंड क्या सेकेंड है, थर्ड थर्ड है, सीट नंबर टू सबके पास है। मैं एक सेंटेंस पढ़ रहा हूँ जिसे पता चल जाएगा वही सीट नंबर है। इफ योर सीनियर ऑफिसर आस्क यू टू डू सम वर्क ऑफ हिज होम, ये है सीट, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर थर्ड है, सेकेंड करेंगे डिस्कस करेंगे, पहले एक बार मैच कर लेते हैं, राइट? सेकेंड सेकेंड है, थर्ड थर्ड है, फोर्थ सेकेंड है, फिफ्थ थर्ड है, सिक्स सेकेंड है, सेवन सेकेंड, एट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर दे देना सर, क्वेश्चन नंबर एट, ठीक है फोर्थ में काम करता है। क्वेश्चन नंबर फोर थी सबके पास, पहले मैं क्वेश्चंस बोलूंगा फिर आंसर उसका बोलूंगा, राइट? सीट नंबर सेकंड और फर्स्ट दे दो, फर्स्ट सेकंड देखो नंबर किसके पास, किन किन के पास नहीं है, वन टू थ्री, ठीक है तीन कर सकते। ओके क्वेश्चन नंबर फाइव, फोर्थ का सेकंड है, फाइव का थर्ड है, क्वेश्चन नंबर सिक्स का सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेवन सेकंड है, क्वेश्चन नंबर एट फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नाइन सेकंड है, क्वेश्चन नंबर टेन थर्ड है, क्वेश्चन नंबर इलेवन फर्स्ट, ट्वेल्व सेकंड, थर्टीन सेकंड, फोर्टीन थर्ड, फिफ्टीन फर्स्ट, सिक्सटीन सेकंड, 17 इसको भी रखते हैं, 18 थर्ड, 19 फर्स्ट, 20 फर्स्ट, 21 फर्स्ट, 22 थर्ड, 23 सेकंड, 24 सेकंड, 25 सेकंड,
26 second 27 second 28 second 29 third 30 second we will discuss later on second 31 first 32 second 33 second 34 third 35 third hello wrong answer improvement hai kal se improvement कितने बार हाँ ठीक है सबसे कम किसका कम से कम दो तीन किस मोर देन टेन गलत किसका हो गया मोर देन टेन हाँ हाँ कुछ नहीं क्या हुआ ना तो दो तीन का ना तो दस का ठीक है चल एक एक करके डिस्कस करते हैं फटाफट सीट आपके पास नहीं फर्स्ट पहला क्या क्या लिख दिया भाई अगर आपके ऑफिसर्स बोलते हैं कि आपके ऑफिस के काम करते वक्त पर्सनल क्या करेगा ना नहीं कर सकते स्ट्रिक्टली है ना और कर भी नहीं सकते फिर करें क्या बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा अगर मना कर दिया स्ट्रिक्टली तो आप जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है उस पर बदलने के लिए तैयार हो जाओ है ना अगर कर दिया तो एथिक्स ये कहता है कि भाई फर्स्ट यू हैव टू डू योर परफॉर्म योर ड्यूटी भाई आप अपना परफॉर्म कर ले है ना वो आपका ड्यूटी नहीं होगा आप मना भी नहीं कर सकते कर भी नहीं सकते आप एक्सक्यूज दे सकते हैं बहाना बना सकते वो क्या है फ्री टाइम पे नहीं अब ये हाइपोथेटिकल एजम्पशन नहीं ले रहा और फ्री टाइम पे तो भाई मैं वहाँ पे हूँ किस लिए ऑफिस का के लिए या उसके पर्सनल के लिए है ना जैसे मूवी जिशुम है तो वरुण हमेशा उसका सब्जी उठाता है मिलिट्री का है ना हाँ अगर आप में उतना काबिलियत नहीं है तो उसका डिसएडवांटेज या एडवांटेज वो उठाएगा आपका बॉस कि अगर भाई ये नहीं आता तो ये कर भाई यही होता है है ना यस प्लीज सर आपने कल कहा था डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना हाँ सर इतना डिप्लोमेटिक नहीं हो गया नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्चुअली देगी यहाँ पे कल मैंने डिस्कस किया था देखिए डिप्लोमेटिक आंसर और मैंने मैरिज की बात आर्मी वगैरह में जूनियर डॉट जूनियर डॉट नंबर वन हम लोग तो आर्मी नहीं जा रहे दूसरा अभी बताते हैं धीरे 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 सारा चीज़ क्लियर होगा इसलिए सारा सीट डिस्कस करेंगे और जो सारा सीट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कलेक्शन है इधर उधर से जो भी कलेक्शन है वो हमने ये देखा कि भाई कुछ ना कुछ हर सीट में कुछ ना कुछ सीखने को मिले हमने कल देखा था क्या मैरिज देखा था कि भाई दो डायमेंशन है इसके डायमेंशन वन और डायमेंशन टू और इंस्ट्रक्शन में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई डायमेंशन वन बनेगा और डायमेंशन टू बनेगा मीन्स शुरू से भाई अगर 35 क्वेश्चंस है तो अगर आपने शुरू में एक पॉजिटिव आंसर दे दिया फॉर एग्जांपल भाई आप किसी से डिफिकल्टी में मदद लेते हैं राइट और कहते हैं जब आपकी बारी आती है पहला क्वेश्चन था आपने बोला यस मैं डिफिकल्टी में मदद लेता दूसरा क्या एंड में आया कि मुझे मदद करना चाहिए आपने वहाँ पे नो कर दिया ठीक है तो पहला क्वेश्चन और एंड क्वेश्चन लास्ट में क्या बन गया कॉन्ट्रडिक्शन हो गया तो वो आपके डिसक्वालिफिकेशन की ओर ले जाएगी यहाँ उसने आरआरबी यही इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर एक डायमेंशन को फॉलो करते हो उसी डायमेंशन में चल रहा है और दूसरे डायमेंशन में आकर चल रहे हो तो जिस तरह से अगर आपने पहला क्वेश्चन से किया है वो भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा तो हमें ध्यान रखना क्या कि अपने एटीट्यूड से आंसर करते हो कि अगर मेरा पहला आंसर पॉजिटिव था तो दूसरा मतलब एंड वाला भी पॉजिटिव ये डेकोरम आपको मेंटेन करना राइट तो कई बार ये आंसर इसका मतलब मेरा एक ही कंक्लूजन है कि एक और क्वेश्चन के दो दो आंसर सही हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल कि आपने पहला क्या ऑप्शन करा तो दूसरा क्या तीसरा क्या और एंड पार्ट किया तो भाई वही दो डायमेंशन है क्या कि भाई एक तो ये डायमेंशन में अगर आप निगेटिविटी है या फिर कुछ डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं और दूसरा डायमेंशन में दोनों आपको क्वालिफाई करना
दैट विल बी सेट बाय आर राइट. तो ध्यान रखना है कि भाई यहाँ जैसे आपने कहा कि आर्मी की बात, तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना और ना ही अपने मॉरल एथिक्स को भी वायलेशन करना. तो अकॉर्डिंग टू ऑफिसर्स ये आपका ऑप्शन है थर्ड कि टेल हिम अबाउट ऑफिस एंगेजमेंट. और ये वैसे भी डिप्लोमेटिक काम से नहीं हो सकता क्योंकि कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है और आप कुछ गाना बना करके वो आपको मना कर सकते. सेकेंड सबसे सही है थर्ड व्हेन समवन राइट्स अ लेटर टू योर वाइफ सीक्रेटली देन क्या करेंगे आप? विल डाइवोर्स योर वाइफ? नो. सेकेंड विल लव योर वाइफ एज इज़ुअल? ऐसा होता नहीं है. ठीक है, अगर कोई घुर के भी देख ले थोड़ा मुश्किल खड़ा हो जाता है. ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता राइट. तो थर्ड इज द राइट आंसर राइट. फोर्थ प्रॉब्लम ये पढ़ते चलो. फोर्थ में क्या फोर्थ आपका आंसर क्या? वन वन आंसर. सेकेंड नंबर सेकेंड ये जिनके पास में आपका आंसर फर्स्ट है. व्हेन समवन डिमांड्स यू बैक इन एट वंस यू. हाँ देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे आपको डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे उसने बोला ना तो कोई सर्कमस्टांसेस क्लियर करा ये भी अगला जो मान रहा कौन है पड़ोसी है ये रिलेटिव है ये भाई है ना. अगर ये क्लियर कर देता तब आप यस या नो आंसर कर सकते. तो ये सर्कमस्टांसेस क्लियर नहीं है तो ये आप क्या करेंगे गिव इट सम टाइम कभी देते कभी नहीं देते डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन. और कौन मांग रहा है वकील का आपका यूज कौन कर रहा है ये डिपेंड करता है. इसीलिए आंसर यहाँ पर बेहतर क्या होगा. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ रिसीविंग दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सिक्स मेबी सेवन इफ समवन डिमांड्स 10 rupees और 3 hours टाइम फ्रॉम यू क्या करेगा? बस यहाँ पे ये आपसे देखना चाह रहा है क्या एग्जामिनर कि भाई टाइम इम्पोर्टेंट है या फिर आपके लिए पैसे इम्पोर्टेंट है ना. तो ये मेरे ख्याल में सबका सही होगा. होता तो हो जाता आंसर. ठीक है देख लेते हाँ लेकिन सिचुएशन उसने दिया है उसी में आपको एक्ट करना है ना. भाई किसी के लिए घंटे के लिए लाखों इनकम है कोई हजारों कुछ सही घंटे डिपेंड करेगा. यहाँ पे स्पष्ट बिल्कुल क्लियर है 20 10. ठीक है वैसे भी अगर आपके 1800 पे ग्रेड पे जाते हैं फिर भी 3 घंटे कितना बनेगा एटलीस्ट वे टीए बन जाते हैं ट्रैफिक असिस्टेंट बन जाते हैं है ना. तो भाई 1800 पे ग्रेड 22 से 24 हज़ार आपकी धंधा होगी फिर भी 3 घंटा कितना लगा लो अभी होगा ना मैं कहता कि कोई भाई दिमाग आओ सर ऐसा है कि कोई प्रोफेसर से कंसल्ट देना है या समथिंग मेबी इमोशनल आल्सो सम टाइम यू गो फॉर इमोशनल. अगर ऑप्शंस अगर अकॉर्डिंग टू अगर वैसे ऑप्शंस नहीं अदरवाइज हमें करना क्या है कि ना तो अपना पर्सनल व्यूज इमोशनल बनना जो स्टैंडर्ड वन है ना जो उस पोस्ट के लिए सूट कर रहा है या फिर ना जो इथिकल्स जो इथिक्स आपके मॉरल्स को वायलेट और पॉजिटिव आंसर फिक्स मोरल मेरे कहता है कि फ्रेंड्स और फैमिली पे टाइम मार दिया पैसा मार दो टाइम बिल्कुल बिल्कुल. आप यहां पे प्रभु दे विल गिव टाइम अगर लिख देते हैं फादर मदर है ना बिल्कुल देते हैं है ना. तो यहां पर स्पष्ट नहीं है तो हम ये समवन को हाइपोथेटिकल एजम्पशन लेकर के आंसर नहीं सर इसमें अगर खाली टाइम होता है यस नो सर आप सिर्फ अगर टाइम होता है तो यस कर दीजिए यस कर रॉबिश क्लियर है. Next one, please. Question number 8. When I see a skin of banana, हाँ ये हमने कल डिस्कस किया था. I hope कि सबका सही होगा. Question number 9. When I see vulgarity in the film, I क्या करते? Appreciate करते? खता ही नहीं? Cannot judge. ये जज के लिए तो बुलाया जज करना ही आपको एलिमिनेशन से कर देते क्या लिखा है नहीं लिखा है पढ़ते भी नहीं आगे कर देते आंसर
Mr. Kelly Kawai, but didn't feel bad. Clear? Next. When someone asks you to stop in dark, अलग-अलग लोगों का अलग-अलग आंसर हो सकता है, है ना? तो हमने क्या बोला? You to stop. भाई अगर कोई रात में आपसे रुकने के लिए बोलता है, तो क्या करते हैं आप? रुक जाते हैं। इसमें अलग-अलग आंसर हो सकता है। वैसे किन-किन का सही है? बाकी का फर्स्ट या सेकंड? रीजन? फर्स्ट का? You do not play, you do not pay heed, ध्यान नहीं देते, ऐसा कि कुछ सोचा होगा? चोट में हो सकता है, है ना? देखिए इस क्वेश्चन का पर्पस ये रहा है कि आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा है, whether are you neutral to the society or positive to the society or negative to the society. उदासी ना जो हो रहा चले देते कोई ना, है ना? If you are taking interest, that means they are positive है. अगर कुछ भी हो सकता है, maybe accident हुआ हो, हो सकता है आपने घर का कोई हो, friends हो, relatives हो, तो यहाँ पे आपको रुकना चाहिए. कहाँ से इसलिए ये करता है कि भाई हमेशा ध्यान रखना वही चीज, standard positive answer करने आपको. अपने पे लेके नहीं है, भले आप रुकते हैं रात में या नहीं रुकते, doesn't mean, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको यहाँ पे आंसर करना ही पड़ेगा. बनाने के छिलके को डस्टबिन में आपको डालना ही पड़ेगा, राइट? हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अलग है. इफ अ लेडी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इफ नहीं यू ऑफिस, क्या करेंगे? ये भी अलग अलग आंसर हो सकता है. तो स्टैंडर्ड वन सबसे इसमें आंसर बनेगा, फर्स्ट वन में आप उनको ना करेंगे, राइट? अदरवाइज आप बस ये ध्यान रखना ऊपर से आप क्या करते आ रहे और नीचे आपका जो आंसर्स होंगे वो सारे सिमेट्री होना चाहिए, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12. वैसे भी सर ये जो है फ्रेंड कह रहा कि आप कॉल लेके ऑब्लिगेटली प्रिंसिपल से जाने कह रहा था कि इस प्लेस डाल के सर्विस स्टॉप कर देते हैं. यू कैन नॉट गो अबाउट इट योर पर्सनल गेट्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर गिवन टू द रिक्वायर्ड प्लेस. अब क्लास में हम नहीं कर सकते हैं, एथिकल हमारा जो भी है. यस, दैट मींस यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड रूल एंड रेगुलेशन बाय द गिवन बाय द अदर या फिर बाय द ट्रेन या जहां भी. एथिकल हमारा एथिकल और हमारा पर्सनल गेट्स है, राइट? तो सेट ऑफ रूल को भी आपको फॉलो करना है. वैसे इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग हो गया आपका चैप्टर, व्हाट अबाउट व्हाट इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग आपने सब कुछ का वो है ना? वहाँ भी सेट ऑफ रूल होता है, फॉलो करने पड़ते हैं. उस टेस्ट का वही पर्पस ही कि वेदर भाई वेदर यू फॉलो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, वो कहीं कहीं वही मिलता जुलता है वो टेस्ट आपका. इसलिए इस बार फर्स्ट टाइम दिया गया. क्वेश्चन 12. इफ समवन फेमिलियर टू यू प्रिटेंड्स टू बी अननोन, यहाँ भी आप आंसर अलग अलग करेंगे, आप अननोन को भी क्या बोलेगा? You ask about his well-being after greeting him. वैसे अमूमन तौर पर हम करते क्या, जनरली अगर मुझे किसी ने अवॉइड किया हम भी निकल लेते हैं ना. नेक्स्ट वर्ड 13. इफ समवन डियर टू यू गेट्स किल्ड व्हाइल डिफेंडिंग द कंट्री देन यू क्या करते हैं? मॉड इज डेथ ऑलवेज, एक वर्ड है ऑलवेज, दूसरा मॉर्न इज डेथ सम टाइम, और तीसरा है जो नॉट मॉर्न इज डेथ. जो तीसरा अगर आंसर आप कर रहे होंगे, दैट मीन इट शोज दैट यू आर एरोगेंट, राइट? है तो फिर यहाँ वो इमोशन वाली बात आ जाती है कि आपके इमोशन कई ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे इमोशन की जरूरत है, तो यू मस्ट शो दैट, है ना? तो आप ऐसे आंसर नहीं कर सकते थे क्या? यू डू नॉट मॉर्न दिस डेथ. तो ये गिवन जो तीनों ऑप्शन है उसमें से बेटर ऑप्शन है क्या? सेकेंड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 14. इफ यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री देन यू क्या करेगा?
सेकंड तो मतलब नहीं बनता अटैक ये इमोशन नहीं बैंड कल आपने दो डाला तो इस तरह से आपको पाकिस्तान को हमेशा है ना रोना नहीं होता ऑफिशियली ताकि जो कर रहा है तो इसका सबसे बेहतर ऑप्शन होता विल इम्पोज हेवी ड्यूटी ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू गेट मोर एंड मोर रेवेन्यू फॉर वेलफेयर वर्क के लिए आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा सकते एक ऑप्शन ताकि ये भी नहीं है या नहीं है लेकिन गिवन ऑप्शन में से ये बेटर नेक्स्ट वन प्लीज सही है सबका 15 16 16 में प्रॉब्लम है हाँ डू यू लाइक ड्रीमिंग इसमें दो इंटेंसिफाइड वर्ड दिया गया ऑलवेज एंड नेवर क्या ऐसा हो नहीं सकता जो आपने जीवन में वर्ड्स के बाद कोई सपना नहीं सपना सोचा नहीं तो ऑलवेज भी कि नहीं कुर्सी पे बैठे हुए हैं जैसे है ना ड्रीम कर रहे हैं पता चले राजा राम जान चली गई ऐसे यहाँ से नहीं कर सकते चाहे दिन का सपना हो रहा है जगने वाला है ना अबे वो ऐसा कुछ जगने वाला ड्रीम है ये तो कह रहा है कि सर आप सपने वो एपिसोड में प्लान कर रहे हैं कह रहा है दिस इज अगेन योर हाइपोथेसिस इट इज नॉट क्लियर इट इज नॉट मेंशन हियर एक्चुअली इफ आई एम नॉट रॉन्ग नहीं कह रहा ना इसका मतलब है कि वो एक बिल्कुल छोटा सा संदेश पूछ लिया आपसे तो हमारे बस में है नहीं कोई ड्रीम लाइक और समथिंग और टॉक अगर हमें हमारी बस में जो होती है हमें पसंद है या नहीं yes. Yes. जो नहीं है तो ड्रीमिंग एक्चुअली इट इज नॉट बियॉन्ड योर कैपेसिटी और एबिलिटी है ना इट इज अ नेचुरल फेनोमेना वो कहीं ना कहीं हो जाती है तो इसमें आपको यही बेहतर ऑप्शन होगा ना तो ऑलवेज भाई या अगर मान लेते अगर आप हमेशा अगर वैसे भी हाइपोथेटिकल इसको ले ले हमेशा आप सपना देखते रहे तो उसके लिए आप कुछ कर देंगे क्या वो मिलेगा जनरली नहीं होगा आंसर क्या बनेगा सेकंड एडीन थर्ड प्रॉब्लम को पूछ देंगे 19 फर्स्ट सही है सेकंड का थर्ड 19 इस दोनों ऑप्शन हैं डू नॉट टेक इट सीरियसली ऐसा क्यों भाई कोई मारने की धमकी दे रहा है आप कह रहे हो सीरियसली नहीं मुझे ऐसे नहीं कर सकते Should not take it seriously. गलत है. Report to the matter. तो क्या हुआ? Police. आपको report करना ही पड़ेगा. अगला 20. हमेशा करते हैं? Yes. नहीं भी करते फिर भी आपको. कई बार होता है कि यार नहीं भी करते हैं चले जाते हैं दो दो घंटा तीन तीन घंटा wait करते हैं. लेकिन आपको आंसर यहाँ पे? Yes. करना ही पड़ेगा. कौन सा? भाई हम inquiry करते हैं. Next question. Will you prefer bread or computer? अच्छा why not computer? इस आंसर आपने किया है बस एग्जैक्टली ये इसेंशियल है लाइफ के लिए तो ब्रेड हमें करना पड़ेगा 22 फर्स्ट क्यों सबका है ना एनी ऑब्जेक्शन 22 22 आंसर सर थर्ड सेकंड व्हाई सर व्हेन अ नोन पर्सन कॉल्स यू ऑन द रोड बाय वेविंग हैंड्स देन यू विल सेकंड इसलिए सेकंड नहीं हो सकता यू विल आल्सो आस्क हिम वेविंग हैंड्स ये थोड़ा रिडिकुलस लग रहा अगर कोई हेलो ऐसे कर रहा है तो आप थोड़े बोलोगे तुमने हाथ हिला ना यू डोंट टेल एक्चुअली फर्स्ट देख देते अवॉइड इट नहीं अवॉइड कर फिर वही एरोगेंसी वाली बात आ जाएगी नेगेटिविटी आ जाएगी कि अगर समवन भाई आपका अटेंशन अट्रैक्ट करना चाह रहा है एंड अगेन स्टिल यू आर इग्नोरिंग देम यू आर ही और सी जो भी है सर डेंजरस भी हो सकता है हां तो डेंजरस भी हो सकता है सर चले गए तो अंधे का ज्ञान है एंट्री क्या इस
जैसे आप मेरे कुछ बोल रहे हैं, मैं यहाँ से चला गया हाँ, तो मैंने अंधे पे किया ना एक तरीके से। वो आप ऑप्शंस ऑप्शंस में तीन ही ऑप्शंस है, या तो हम अवॉइड करेंगे इनको, अवॉइड किया उसको ठीक है। एक बार कह रहे कि व्हेन अननोन पर्सन कॉल्स यू ऑन रोड बाय वेविंग हैंड्स देन यू विल मूव टुवर्ड एटलीस्ट कम सम अटेंशन जरूर करें कि देख क्या है अननोन है तो वो क्या चाह रहा है ना। तो सेकंड इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, यू विल ऑल्सो आस्क हिम वेविंग हैंड्स कि आप भी कहेंगे कि भाई तुम भी अपना हाथ हिलाओ। उसने वो दम दिम की बात फिर आ जाएगी फिर है ना, फिर दिशा कुछ और हो जाएगी इसका आंसर इसका। तो हमें ये भी नहीं अज्यूम करना है क्या कि हाथ हिला करके या फिर कुछ ऐसे कुछ करके कि वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑफसेट कर लें, तो इसलिए आंसर ये नहीं हो सकता कि ऐसे ऐसा कुछ होता कि भाई आप क्या कर लेते, हाथ हिला कर ही कुछ समझ लेते और वो भी समझा पाता, नहीं करते इस आंसर। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर अच्छे स्टैंडर्ड वन कभी नहीं होना चाहिए। सर 17 का आपने सेकंड बताया था, 17 का हाँ जो ना रेलवे स्टेशन में तो ओवर क्राउडेड ही होता है, अगर ऐसा सेकंड लगा देंगे तो हमारी मजबूरी होता है। हाँ वो अलग चीज़ है बिकॉज इट इज लैक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है, कि आप वहाँ पे इतना रेलवे इतना टिकट काउंटर सेट कर दें क्राउड ना हो गटी बात पॉइंट। तो ये फिर वो उसका लिखना है, उसके लिखना पे हम अपने आंसर नहीं कर सकते राइट। यही तो भाई नियम कायदा तो यही कहता है कि भाई अच्छे से और भी सेटअप करो, जितने भी है आपके प्लेटफॉर्म जितने भी टिकट काउंटर है उस पर सब पे होना चाहिए और क्राउड नहीं, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो क्राउड होगा। इसका मतलब है कि एक बच्चा है, बच्चा का बिहेवियर अगर उसको खाना पीना या कुछ ऐसा जो इसेंशियल है उसे नहीं मिले या बिहेवियर ना मिले तो वो अवॉइड करने लगती है, चाहे वो मदर हो या फिर कोई हो। 24 व्हेन आई सी बैड पर्सन क्या करते हैं आप? इतना भी टॉलरेशन नहीं होना चाहिए कि बैड पर्सन उसने लिख दिया कि बैड है, इवन देन यू आर टॉलरेटिंग, दैट मीन कहीं कहीं आपका लैक है, तो हमें ये टॉलरेट नहीं करना। हाँ वो ज़्यादा हो जाएगा कि भाई ज़्यादा साधु संत वाला आंसर हो जाएगा ठीक है, तो हम ऐसे भी आंसर नहीं कर सकते जो वहाँ पर्टिकुलर बोला कि बैड है और यू आर एक्सेप्टिंग, आप इतना टॉलरेट कर रहे हो चीज़ को, हम धन्यवाद चीज़ को नहीं कर सकते, हम कुछ ना कुछ आ ही जाता है वैसे भी अगर देखें तो। क्वेश्चन नंबर 25 सर आंसर 24 को 24 सेकंड ये रीजनिंग बेस्ड है 25 26 वैसे 25 पे सेकंड ही आंसर है। ट्रेन ऑलवेज रिमेन लेट सो I get angry very much.
ये थोड़ा सा इंटेंसिफाइड आंसर हो जाएगा, हाँ वो पर्सनल व्यूज हो जाएगा। सेकंड थॉट में से है कंफ्यूजन क्या? थर्ड आई गेट एंग्री समटाइम, आई डू नॉट शो एनी एंगर। नहीं एंगर तो होते हैं, वो ट्रेन लेट होती है, यू आर किकिंग है ना, हाथ मारते रहते हैं सर, इसमें ऑलवेज दिखाओ ना सर, तो हमेशा ही वो रूटीन है लेट होने का, है ना, ट्रेन ऑलवेज रिमेंस लेट, हमेशा लेट रहता है, सर रूटीन हो गया ना वो, तो उसमें क्या उसमें मसला है? लेट की डेफिनेशन है क्या कि लेट 10 मिनट हो रही है, आधा घंटे हो रही है, दो घंटे हो रही है, अगर लेट भी फिक्स हो जाता देन वी वुड बी हैप्पी, चलो 7 बजे है, दो घंटा लेट है, रोज है 9 बजे आ ही जाती, राइट टाइम वन वे वे है ना, वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग है ना, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो ये चीज़ सारा एनालिसिस करके आंसर करेंगे। आपने एवॉइड तो किया, आपने जैसे एरोगेंसी पहला हमने आ रहा है, आई गेट वेरी आई गेट एंग्री वेरी मच, देखिए कई सारे ऐसे आएंगे आपको क्वेश्चंस जो डायरेक्टली पोस्ट से रिलेट करके आप आंसर भी नहीं कर रहे होंगे, इसका मतलब है कि भाई अगर सिर्फ और सिर्फ पोस्ट को देख कर ही आंसर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल फिर ऐसा आंसर तैयार हो जाएगा जो जेन्युइन नहीं होगा, तो हमें हाइपोथेटिकल भी नहीं होना, ज़्यादा एजम्पशन भी अपनी नहीं लगाना, जो गिवन आपके तीन ऑप्शंस हैं तो उसी अकॉर्डिंग ऑप्शंस कर रहे हैं। जैसे मैं पहला आपने एलिमिनेट कर दिया क्या, ताकि भाई आई गेट वेरी क्वेश्चन नंबर 24 है ना, 26 सर, आई गेट वेरी मच, आई गेट एंग्री वेरी मच, ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा आई गेट एंग्री सम टाइम, कई बार जब ज़्यादा लेट हो जाती होगी डेफिनेटली यू गेट एंग्री, अगर 2-4-10 मिनट लेट है आप उसको टॉलरेट कर पाते हो, इसलिए इसमें आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं, किस नहीं जिस दिन ज़्यादा लेट हो जाए थोड़ा खुद ना काट अच्छा, और 2-4 मिनट लेट हो तो इसलिए हम इम्प्रूवमेंट आंसर करेंगे, तो आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 27 व्हेन आई सी व्हीकल कमिंग फ्रॉम नियर टू मी क्या करते हैं? आई गेट फ्राइटेड, तीनों आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन में, तो इसलिए बीच वाला सही है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल कई बार पास अगर गुजर जाए तो बिल्कुल हम नॉर्मली रहते, कई बार हम अचानक से नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब अपना एक्शन रिएक्शन आना स्टार्ट कर देते हैं, तो बेटर ऑप्शन होगा क्या समटाइम आपको करना? क्या ट्रेन अगर इसको अलग अलग आप काम करें, ट्रेन ही एक्चुअली इट इज़ नॉट अ व्हीकल, अलग अलग उसको अगर आपने कर दिया है ना, तो ट्रेन ही बोलेंगे आप, व्हीकल में ये सारे आपके ये सारे रुपये चार रुपये पाँच रुपये है ना ये सारे, तो उसको फिर से हमेशा आरबी के और एशियन के से रिलेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। 28 सेकेंड सही है। 29 थर्ड सही है। हाँ 30 में आप लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे, थ्री बाई सेवन, थ्री बाई फाइव, थ्री बाई नाइन, थ्री बाई देखिए इसमें लॉजिक क्या है, 3/7 3/5 और 3/9 जब आप ये आपने इस बेस पे बोल रहे हैं ये प्राइम नंबर है 3/7 3/5 3 ये डिविजिबल है 3/9 मतलब 1/3 हो जाता है, लेकिन जब आप डिवाइड कर रहे हैं रिकरिंग नंबर होता है और नॉन रिकरिंग नंबर होता है, तो 3/7
नॉन मतलब वो मतलब कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, 3/9 वो भी डिविजिबल नहीं है, ये 0.6 आएगा, 3/5 दैट इज 0.6 डिविजिबल है कंप्लीट। तो इसका आंसर सेकंड ही है, हमें क्लियर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, हां कई बार तो आप कई बार वहां भी तो अगर एग्जामिनर चाहता है कि आपको ट्रैप करना है तो आप ट्रैप हो जाते हो, भले आपको आपका भी लॉजिक सही हो और उसका भी सही हो, आंसर तो वही रहेगा। जैसे सीरीज में कवर होते हैं वहाँ भी तो ऐसे आंसर आता है, ठीक है ना जी, लॉजिक तो आंसर तो सेकेंड ही है, 3/5 इंग्लिश में डिफरेंस ही सर आंसर। अच्छा हिंदी वाले में थर्ड है। अच्छा ऑप्शन इधर होता है तो 3/5 कर लीजिए, एक दो अलग भी हो सकते हैं। थर्ड पर थर्ड हेवी व्हीकल्स मेंटेनेंस देयर, ठीक है। हां थर्ड पे प्लेन प्लेन पे 31 का फर्स्ट प्लेन पे प्लेन सरफेस पे 32 30। अच्छा हेवी व्हीकल्स मेंटेनेंस देयर बैलेंस ऑन, तो ज्यादा बैलेंस किस पे होगा, सरफेस पे सर। अभी परेड रोड से आ रहा हूं, वहां पे कंटेनर भी पलटा हुआ है टर्निंग पे, सर प्लेन का तो सभी बैलेंस रहता है, आधे घंटे से क्या प्लेन पे सभी बैलेंस रहता है, मोड में बोले चलेगा हल्का होगा बट जाएगा, मोड में तो हेवी व्हीकल जल्दी मोड पे ज्यादा होगा या कम होगा, बैलेंस ज्यादा रहेगा सर, रिक्वायरमेंट ज्यादा है या कम है। थर्ड ऑप्शन से नहीं, ऑप्शन होगा फर्स्ट ही सही होगा कि भाई अगर बात करें कि भाई सबसे ज्यादा किस पे वो क्या कर रहा है अपने मेंटेन कर रहा है, तो वो प्ले सरफेस पे ही करेगा, वो कहीं ना कहीं टिल्ट हो जाएगा और कहीं कहीं वो ज्यादा अट्रैक्शन का ना, हम लोग ये साइंस में पढ़ते हैं मूवमेंट ज्यादा तो टर्निंग को बैलेंस ना कर देता है, लेकिन जब हम जैसे लीड में नहीं है तो बैटल लेंगे ना, तो शॉट कर जाएगा, तो ये असर दिया नहीं हुआ कटिया पे वैसे ही है ना। We'll go the we'll go with the first option. Another question. 32. Add out क्या? सब third होगा. Second होगा. Second enjoy है. फिर ये positive दिखा रहा है ना? Observe tides. You are actually not, you know, observer, doctor, as a scientist or something, या geographer. Enjoy करते हैं simple से. ज़्यादा logic नहीं लगाते जब हम समुद्र नदी के किनारे बैठते हैं. Next one, please. When I request you to visit my home, क्या करते हैं? Depending on situation, मैं क्या है, नहीं है visit. ना मैं बस कोई भी सोचना है कि आप आएंगे. ये कोई भी बात नहीं है. पहला. Will go. 34. The person who travel. 33 second lag right? You think about it as a thing second second to second mein back wala system jo bhi request kar raha hai wo jaane pade sir ek to check kar lete hain please request you will visit my request theek hai likha hua hai lekin kabhi bhi aapka schedule agar hai na khali hota hai tab to ek hi baar chale jata hai ya pura ya kai baar humne kya वर्क में है या नहीं है एक बार सोचते जब तो गिवन ऑप्शन में यही सबसे बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई हमसे पूछता है ना रिपीट कर जब आपसे कहते हैं तो आप हमें उम्मीद है कि आप आएंगे। हाँ ये है कि पॉजिटिव आप सोच रहे हैं कि आप आओगे और हमने इसलिए कॉल भी करा कि नहीं हम आपको बुला रहे इन्वाइट कर रहे हैं सपोर्ट ऑफ पास। फर्स्ट ऑप्शन आपने से किस किसने लगाया? अचानक से पहुंच जाता है किसी ने बुलाया पहुंच गया और ये रिक्वेस्ट किया ना तुमने रिक्वेस्ट लिखा रिक्वेस्ट किया ना आई विल रिक्वेस्ट द नेम यू नो आई करूंगा उम्मीद है कि तुम आओगे यानी कि फिजिक्स सेम इन हिंदी हिंदी क्या चले जाएंगे उनसे चले के नहीं क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या जब आपसे मैं अपने घर आने की विनती करूंगा आपको विनती आज कुछ ठीक है विनती में ठीक है यहां पे रिक्वेस्ट आप करते हैं लेकिन हर विनती स्वीकार भी नहीं होती है
तो वो तो आप पे नहीं भी आएंगे तो उसका हमें उम्मीद यही होना चाहिए तो मोस्ट ऑफ द आंसर ये तीन ऑप्शंस में आप कौन सा आंसर तो ये फिर वही डायमेंशन हो जाएगा वन डायमेंशन टू डायमेंशन वाला जब कभी ऐसा होता है तो ये देखा जाएगा कि जो पहला आंसर कर रखा आपने अकॉर्डिंग टू दिस मतलब कहीं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा लेकिन ये दो आंसर ठीक हो सकते हैं और इसलिए ऐसा ये बनाया गया डायमेंशन वन डायमेंशन राइट चिढ़ा गया थर्ड सही है जल्दी से सीट नंबर थर्ड कर लेते हैं सीट नंबर थर्ड सबके पास है 65 जरूरी है कि 60 साल हो गया तो उसके पास बेटा हो या ना ये हाइपोथेटिकल ना दिया नहीं हो सकता सेकंड कतई नहीं तीसरा अगर कुछ भी नहीं देखते फिर भी आंसर कर देते उसे एक बार देख लेते यू विल बी और ये ऑप्शन बच रहा है हो सकता है डेफिनेटली तो नहीं है तो जरूरी नहीं है कि जो 60 साल के व्यक्ति है उनके पास बेटा हो या 60 साल में ही शादी कर रहे हो बेटे तो ये फिर वो एक्सेप्शन हो सकता है टिपिकल आंसर होगा तो ये बेटर ऑप्शन है थर्ड सीट नंबर थर्ड सबके पास है हिंदी के कहाँ चलिए मैच फर्स्ट का सेकेंड डिस्कस कर लेंगे फर्स्ट का सेकेंड सेकेंड थर्ड थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकेंड सेकेंड सी सी बता दो सी बचा क्या पीछे रिकॉर्ड्स का ही थर्ड अब सबके पास है अगेन फर्स्ट का सेकंड सेकंड का थर्ड थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड फिफ्थ सेकंड सिक्स फर्स्ट सेवन डिस्कस कर सेवन सेकंड एट फर्स्ट नाइन सेकंड टेन फर्स्ट अलेवन सेकंड ट्वेल्व ये जो लेते हैं उनको बताओ फर्स्ट है वैसे अलेवन सेकंड ट्वेल्व फर्स्ट थर्टीन थर्ड फोर्टीन सेकंड फिफ्टीन सेकंड सर सेकंड में सर ट्वेल्थ में सर सेकंड फर्स्ट सर होगा ना देख लो देखो आंसर मैच कर रहे थे अच्छा 13 थर्ड 14 सेकंड 15 सेकंड 16 फर्स्ट 17 थर्ड थर्ड 18 फर्स्ट थर्ड 19 सेकंड फर्स्ट अच्छा डिस्कस ही करते क्या व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट तीनों में से एड्स है कैंसर है टाइफाइड है इसका आंसर एक्सप्लेनेशन यही है जैसे आपने किया था 3/5 3/9 और 3/7 है ना तो आंसर अकॉर्डिंग टू वही हो जाता इसका एक्सप्लेनेशन क्या देगा वो कि एड्स भी क्या है वायरस से कैंसर भी वायरस से और टाइफाइड भी
बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से टाइफाइड और आंसर मिल जाता है, जैसे आपका मिला उसी ठीक है क्यूरेबल हो वो भी कर सकते हैं इस तरह से एक दो क्वेश्चन हो गए जो आपको डिप्लोमेटिक आंसर करवा रहे हो लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। 19 अभी 18 थर्ड है, 19 सेकंड, 20 थर्ड, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, देखते आगे डिस्कस करेंगे। 33, 34, 35, 36 सही कितने गलत? हाईएस्ट सर 4.6 था, 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4.6 4 सेकंड 5 सेकंड 6 फर्स्ट और फॉलोइंग एट 9 10 9 और 10 9 M B second answer eight. 10 always 7 second sometime or 8 first time 7 का ऊपर से करें या 7 से start करें 7 से start first वाला to your intimate friend क्या करते हैं share your each and every personal matter अगर फ्रेंड लिखा है तो आप इंटीमेट उसमें भी इंटीमेट घनिष्ठ मित्र ऐसा लिखा होगा ना, तो ये तो पक्का है कि आप शेयर करेंगे। सेकेंड थर्ड आंसर नहीं हो सकता। हाँ यहाँ पे शेयर योर ईच एंड एवरी पर्सनल मैटर नॉट पॉसिबल, ये मुश्किल है ना, मैरिड लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग आप शेयर नहीं कर सकते है ना। तो ये आंसर बेटर ऑप्शन है क्या, टेल एवरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जो भी लगता है महत्वपूर्ण आपके लिए है ना। सेकंड कोई डाउट है क्या? थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आप में से किन किन का 5 से ज्यादा रोल है, बाकी नीचे हैं 5 से इंपॉर्टेंट है। एक सीट आप तो और देके छोड़ता होगा, एक घंटे की क्लास होगा सर चुके उसको एक घंटे चाहिए, 3 से 2 राइट, एक सीट और ले लीजिए इसका और अगले जो सीट दे रहा है उसका डिस्कशन करते हैं राइट। सीट नंबर 4 थे अच्छा आप सर आएंगे फिर आपको ड्राइंग और सर्च करूँगी राइट, तो उनको 1 घंटे चाहिए इस टॉपिक के लिए, ये हिंदी इंग्लिश दोनों इसी के अंदर है, आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। दोबारा जब आंसर आप कर रहे हैं जो लेट्स आइए दोबारा ध्यान रखना है कि आंसर आप कर रहे होंगे तो स्टैंडर्ड वन आंसर करेंगे और पॉजिटिव आंसर करेंगे राइट। चलिए दिस इज ऑल फॉर फ्रॉम माई साइड टुडे राइट, हाँ वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ठीक है, इसका दोनों सीट का डिस्कशन करना।
लास्ट का टॉपिक है सॉर्टेड मास्टर्स ठीक है कल वाला ट्रायल हुआ यस इन टाइम वाला सकता कॉल वाले की क्यों टाइम डाल रहा है प्रैक्टिस करिए ज्यादा सर क्या तो उसमें एक एलिमेंट और लाओ करवा देना क्या एंड आउट कर लाओ बस कल का वेरी कर लाओ हम भी क्या मैं आपको भी ये टॉपिक करवा दूं मैं इंपॉर्टेंट हूं जैसे ही किसी टॉपिक में कोई जल्दी कवर हो जाता है उसका जो टाइम बचेगा उसमें कैल्कुलेटिंग कर लेना ठीक है एक मिनट प्रैक्टिस करो हम चाहते हैं आप आ जाए तो ठीक है ठीक है तो वाला एक शीट में दे दूंगा आपको ये ठीक है आपके टॉपिक जैसा बोलते हैं आप वैसा लिख लीजिए तो क्वेश्चन करवाऊंगा तो सारी चीजें
अपने आप कनेक्ट होगी, समझ में भी आएगी। अभी तो ऐसा लग रहा होगा क्या चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो पढ़ा रहा हूँ वो देख लीजिए, ठीक है। इफ कंडीशन, अगर उन्होंने एरो दे दिया और यहाँ भी इनको एरो दे दिया तो फिर ये भी पाथ में कंसीडर होंगे। अगर एरो नहीं होता, यहाँ एरो होते हैं, यहाँ एरो नहीं होता, यहाँ एरो होते हैं, तो पाथ बाहर वाला कंसीडर नहीं किया जाएगा। बस कंसीडर वाली बात ये कि कोई कंडीशन ऐसी आ जाए कि बाहर वाले से ही जाना पड़े तो आप जा सकते हो, कि अवॉइड करना है कि हमको बाहर से नहीं जाना, ठीक है। ऐसी कंडीशन आपके लिए कोई आएगी नहीं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। और आए तो कंफ्यूजन वाले बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, बुक्स ने कुछ भी छाप दिया, वो तो छापेंगे तो क्या क्या पता। सबसे बड़ी बात है कि उनको आरआरबी जो क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना, उनको ही फॉलो करना है, ठीक है ना। अपनी तरफ से कोई गाइडेंस नहीं करना है कि नहीं हमें तो उस बुक में ये दे रखा था, उस बुक में ये दे रखा था, इस टॉपिक के लिए किसी बुक को फॉलो नहीं करना है, पहली बात तो ये, ठीक है। फॉलो करना तो सिर्फ क्वेश्चन में दी हुई इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, ठीक है। इसमें होते रूट एंड पाथ, तो रूट एंड पाथ कंसेप्ट समझ आएगा, कौन सा पाथ होता है, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है, क्या होते हैं पाथ, ठीक है। सिर्फ डाउट वाली बात थी इसमें होती है आउटर 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 जो लाइन थी उसकी, ठीक है, मतलब पैरीमीटर की बात थी, ठीक है। उसको कब कंसीडर करना है, कब कंसीडर नहीं करना है, ये कंडीशन ये है, कि अगर एरो होगा तो कंसीडर करना है, और कहीं भी एरो नहीं दे रखा है, मतलब पूरे इस मैच में कहीं भी एरो नहीं दे रखा तो भी कंसीडर करना है, क्योंकि वो सिमिलर पाथ, ठीक है। सेट पूरे उसमें कहीं भी एरो नहीं दे रहा, कहीं भी एरो नहीं दे रहा, जैसे ये वाला कहीं भी एरो नहीं दे रहा, नॉर्मल एक बॉक्स बना दिया जाता है उसको क्रॉस कर दिया जाता है। हाँ, सिर्फ अंदर एरो हो और बाहर एरो ना हो तो उस कंडीशन में ये कंसीडर नहीं करना है, ठीक है ना। बट आएगी नहीं कंडीशन, क्योंकि अभी तक नहीं आई है, आप आ भी जाए तो उसके लिए आपके लिए पहले ही बता देते चीट दबाऊंगा इसकी भी, ठीक है ना, कि आपको कोई मतलब तो बाद में ये ना हो कि ये ना कर पाए, ठीक है ना, क्योंकि हर आप हर सेक्शन पास होना जरूरी है, नहीं कि आप चले सेक्शन में कम आ गए तो नेक्स्ट सेशन में रिकवर कर लेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि 40 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वेटेज का ही है, ठीक है। टाइम कम है, कितना है, 5 मिनट, ठीक है, कम बहुत लग रहा है, पर मैं बता रहा हूँ 3-4 दिन की प्रैक्टिस के बाद अगर आप 4.5 मिनट पर ना आ जाओ, ठीक है, 4.5 मिनट में आपको कंप्लीट कर, ठीक है। जो डबल हाउस वाले थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे, जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे, जो सिंपल होंगे, जो मेनली आरआरबी के 3 सेट फॉलो करता है, 4 सेट में से क्या होगा कि 1 सेट होगा वो थोड़ा आपका टिपिकल होगा, इतना भी टिपिकल नहीं कि मैं सिंपल दे रहा हूँ, और 3 सेट होने में क्या होंगे आपके सिंपल, ठीक है। उन 3 सेट को टाइम अब होता क्या है कि कभी कि फर्स्ट में वो दे दिया, ठीक है, फर्स्ट में वो दे दिया 10 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, सेकेंड सेट फिर से छोड़ सकता, फर्स्ट ही कब दे दिया तो क्या होगा, आप उस सेट उठाया, आपने करना स्टार्ट करते हैं उस सेट को, वो फर्स्ट में हो जाए। तो ऐसे सेट को अवॉइड करना है पहले कि जो थोड़ा हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे को जो 3 सेट होंगे ना 100% 10 क्वेश्चन सिंपल होंगे, अब तक का जो भी मैंने पैटर्न देखा उस हिसाब से, ठीक है ना। तो ये वाला सेट है, कोई भी सेट हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, वो कोई मैटर नहीं करता, वो आपको पता चल जाएगा, जैसे प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। सेकेंड आता है इसमें कि रूट तो ये हो गए, पर हमारे पाथ पर रूट नंबर देना क्या है, ठीक है, इसी को हमने बोल दिया हाउस, ठीक है। हाँ, एक चीज होती है पहले इसमें स्टेशन होते हैं, ठीक है, आपको कुछ भी दिया होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे
करते हैं रूट नंबर या हाउस नंबर, ठीक है। कंडीशन उसने ये दी कि एक सिंगल हाउस होना चाहिए एक वे में। अब इसके रूल्स देखो, रूल्स क्या कहती हैं कि पहली बात कही हाउस कंसीडर कौन सा करना है, सिंगल हाउस वाले ही आएंगे, डबल हाउस वाला कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। आधा दो सौ कैसे, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमको यहाँ से टू से कहा जाना है हमें एक्स का, सबसे पहली बात है कि हम ऐसे बिना हाउस के जा नहीं सकते क्योंकि हमको उसका कुछ आंसर देना। जैसे इसका सबसे सिंपलेस्ट रूट क्या है, ठीक, और हमको इस वाले रूट पर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि हमारे हाउस नंबर है ही नहीं, हमारा हमारा कोई रूट नंबर है नहीं, यहाँ से कोई रूट जाता ही नहीं होगा, तभी रूट नंबर नहीं है, ठीक है। क्या पता है पहले पार पर थी, पहले जाने वालों को नहीं होगा, रूट नंबर नहीं चला, ठीक है। सेकेंड टाइम अगर हम दो पर जाते हैं, एक मिनट जिस दो हाउस आ गए, तो इस हाउस को अंदर फिर ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वाले हाउस से हम नहीं जैसे डबल रूट थे, तो क्या करेंगे हम, हमसे टर्न मारे कंडीशन एक ये होती है कि अगर कॉर्नर को कोई पाथ टच कर रहा है, कॉर्नर को अगर कोई पाथ टच कर रहा है तो कॉर्नर वाला हाउस माउंट नहीं होगा। हाउस सिर्फ टॉम के लिए क्या कंडीशन है, एटलीस्ट वन एज ऑफ, एटलीस्ट वन एज ऑफ हाउस इज एटलीस्ट वन एज इन, कम से कम एक होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, दो टच हो सकती है। क्योंकि कोई भी आपका हाउस होगा ना ऐसे नहीं दिया होगा, ठीक है। इसी कंडीशन में तीन टच हो सकती है, ठीक है। अगर पूरा ही बिलोंग हाउस दे रही हो तो चार टच हो सकती है, पर आपकी जो देगा ना जो भी हाउस देगा या तो सिंगल टच में देगा या फिर डबल टच में, तो मिनिमम एक टच हो सकती है और मैक्सिमम दो टच हो सकती है। तो उसने कहा कि एटलीस्ट एक एज टच होनी चाहिए, क्लिक नहीं हो रही है, तो उनको शायद पहली बार जो साइको देखा क्या होगा ना,
पहली बार सेट कर रहे हैं उनके लिए शायद अभी ये चीज़ नहीं है, थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसे, ठीक है। अप्रोच करना मैं सिखाऊंगा कैसे क्या करना है आपको, किस तरह से सर्च करना है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे आपके लिए कि जो आपके दो सेकंड से ज़्यादा नहीं लेंगे, तो सिर्फ देखना है और क्लिक करना है, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम 40 मिनट से क्वेश्चन सिर्फ देखने से ही क्लिक होते हैं, बहुत होता है बहुत मैंने रख करता है। छः क्वेश्चन दो सेकंड में तो 12 सेकंड में तो आपने ये 6 क्वेश्चन निपटा लिए, अच्छे कितने आप 34 बच्चे हैं ना, 34 में भी सबका लेवल टफ नहीं होगा। मैंने क्या बोला, टाइमिंग मैंने क्या दिया है, कर लेते हो दोबारा 6 के भी कर लेते हैं, जैसे किसी में डाउट है तो 6 भी कर सकते हो, आराम से होगा, प्रैक्टिस करिए बस। जितना बोल रहा हूँ मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं, दो दो घंटे दे दीजिए, जो जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ घर जाकर दो घंटे प्रैक्टिस करो, दो से तीन घंटे निकालो, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा निकालो, इसको इसमें सबसे ज़्यादा डाउट आएंगे आपके, तो जितने डाउट आउट लाओगे जितने डाउट क्लियर करोगे ना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको घर पर भी जैसे प्रैक्टिस करने में डाउट आ रहे हो, क्लास नहीं आ रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको मेल आई डी दे दूँगा, उस पर फोटो खींच के उनको मेल कर मेल कर देना, ठीक है। कोशिश करूँगा आपका इन वन डे आपका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो बता देना, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट्सएप नंबर है क्या बोला, व्हाट्सएप मैंने यूज़ करना बंद कर रखा है। एग्जाम आ रहा है ना यूपीएससी, नहीं बताएगा सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए, चलेंगे जीत गए यार। कौन कौन भागे थे क्लास से मैच देखने, ठीक है। यहाँ जब करा दो उसके बाद किसी भी बुक से लगाना स्टार्ट कर देना, मैंने कोई भी बुक करना उसके प्रोवाइड हो गए, ठीक है। उसके बाद किसी बुक से लगाना स्टार्ट कर दी, प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग बुक खोलोगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम आए कॉन्फिडेंट रहना, भटकना नहीं है, जितने मतलब जितने तरीके सीखोगे ना उतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, उतने ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, क्लियर करना है यहाँ से डाउट कि एक्चुअली मैं आया तो आया क्यों, समझ लो।
ट्रैक में मार पानी नमक ज्यादा खा लेते है ना एनर्जी पानी ले पानी ले बड़े ये पानी बढ़िया ले आओ माड़ी पीछे पकड़ा था में इंक्रीमेंट होता है। वो क्यों होता है कि अगर हम इससे इधर बाहर गए
ठीक है, तो जितना हम हार गए उतना ही हमको अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि हमको पहुँचना तो इस बॉक्स के अंदर ही है, कहीं भी इसमें कहीं भी डेस्टिनेशन पॉइंट हो सकता है। तो पहली अप्रोच, सबसे पहली जब फूड सर्व स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहली अप्रोच ये कि आपको बाहर नहीं निकलना है, कोशिश करनी है कि आपको फूड है वो इनसाइड ही मिल जाएगा। जैसे COW की हम बात करें, क्या बॉक्स बना रही है वो, तो सबसे पहली कोशिश तो क्या रही कि हमको इधर नहीं जाना है, ये वाली लाइन हम जाना ही नहीं है, ठीक है। अगर इधर से रूट नहीं मिलता तो उस कंडीशन में हम बाहर निकलेंगे नहीं, हम क्या अप्रोच करेंगे कि इसी बॉक्स के अंदर रहना है हमारे, ठीक है। CCW इस रूट पे नहीं जा सकते, ठीक है, सीधे आए। अब एक मिल गया हम यहाँ पर, क्या मिल गया हमको, वन मिल गया है, तो अब दूसरा हाउस उस पर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब ये अप्रोच करेंगे कि दूसरा हाउस उस पर नहीं आना चाहिए, हम वैसे CCW पहुँच गए। आंसर क्या होगा हमारा रूट नंबर तीन, पहले तो क्या आता था, पहले जो OMR सीट आती थी उसमें 1-10 लिखे होते, ठीक है ना, उसमें क्या होता था 1-10 आपके लिखे होते थे, तो आपको एक ही बॉक्स मिलता था आंसर के लिए। आपकी बात थोड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि आपको 5 ऑप्शन देगा, क्या मतलब दो रूट आ जाए तो उससे एक को एलिमिनेट करके दूसरा हमारा आंसर, ठीक है, जिसका आंसर होगा 1, ठीक है। पहली अप्रोच क्या थी कि जो हम कहीं भी मूव कर रहे हैं, कहीं भी मूव कर रहे हैं तो हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ठीक है, तो हमको दो ही रास्ते मिल सकते हैं, ऐसा ये रास्ता तो मिलेगा ही नहीं, ये रास्ता नहीं मिलना तो दो ही रास्ते होंगे हमारे पास, एक तो ये, एक ये ऐसे डाइग कर लिया, डाइग कर लिया, तो बहुत बार ये हमको डायगोनल अप्रोच बोल रहा हूँ, ठीक है, पर डायगोनल के आसपास ही रहता है, डायगोनल के आसपास रहने का मतलब था कि मेरा कहने का मतलब था कि इस बॉक्स के अंदर ही रहना है, ठीक है ना। दूसरे शब्दों को बताया था, साफ शब्दों में यही बताया था कि बॉक्स के अंदर रहने की कोशिश करना है, और डायगोनल अप्रोच ही समझ रहे थे, ठीक है। ये कोई कंपलसरी नहीं होता, ऐसे तो आओगे तो एयर वे नहीं है, ये ट्रेन वे है, रेलवे ट्रैक्स है, एयर वे होता तो डायरेक्ट शॉर्टर रास्ता क्या होता हमारा, ये वे होता, ठीक है। ये वे कौन सा है, ट्रैक, रेलवे ट्रैक, ठीक है, नया बात करें, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि हमको दो ही चीज़ फॉलो करनी थी, एक ये और एक स्टार्टिंग यही कोशिश करनी कि हम दो ही रास्ते से, लेकिन दो रास्ते से कोई हमारा नहीं बन रहा रास्ता तब हम तीसरे रास्ते पे जाएंगे, ठीक है। इससे हमको नहीं मिला तो ब्लॉकर आ गया था हमें, ठीक है, यहाँ आपको दो दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो इधर जाओ इधर जाओ, ठीक है, इधर नहीं मिला तो वापस से इधर आए थे, ठीक है, यहाँ से इधर ब्रेक नहीं मिला था इधर भी इधर आए थे, इधर नहीं मिला इधर आए थे, यहाँ से हमको टर्न नंबर, हम आप टर्न कैसे गिनते हैं कि जितनी बार ये टर्न हुआ है, कोई टर्न आया अभी तक इसमें नहीं आया, फर्स्ट टर्न कहाँ था, ये टर्न कहाँ हुआ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है इसका D2Q, पहला नाम ने D2Q, ठीक है। अब देखो D2Q वैसे रास्ता हमारा सिंपल क्या था, G2P है, ठीक है, पहला नाम को G2P, येरा जी और येरा पी, तो कौन सा बॉक्स फॉलो करना है हमको, ये वाला स्टार्ट करके इधर आना, कोई हाउस आया नहीं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कोई हाउस रिपीट नहीं करना है हमारे, कि जैसे ये हाउस आ गया हमारे, ठीक है, तो इस हाउस से आप एक बार निकल गए ना, ऐसा नहीं कि आप वापस आके फिर मिस होने से वापस नहीं आ गए, जैसे कोई भी हाउस आ गया आपका, सबसे बड़ी बात है कि इस हाउस के चक्कर नहीं काटने, ठीक है, और एक पॉइंट पर आप आ गए ना, उस पॉइंट पर आप वापस नहीं आ सकते, ये सबसे बड़ी कंडीशन होती है, ये कंडीशन कभी भी रिपीट नहीं होती कि आप जिस पॉइंट से गए उस पॉइंट पर वापस आ गए, तो मतलब ही क्या हुआ इसका, आपने क्या इंक्रीमेंट किया है, आपने डिस्टेंस बढ़ाई है, कितनी से बढ़ाई है, 4 मीटर से, हाँ। और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि भाई सारी डिस्टेंस अलग अलग है, हर बॉक्स ये नहीं कि वर्टिकल उसके अलग पैरामीटर होंगे, ओरिजेंटल अलग पैरामीटर होंगे, सारे बॉक्स होंगे स्क्वायर शेप के होंगे और सेम होंगे पैरामीटर, ये अगर 1 सेंटीमीटर का तो ये 1 सेंटीमीटर का है, सर ऊपर कैसे ये वाला, हाँ ये वाला ऊपर से नीचे है, ठीक है, राइट ईयर राइट ईयर, हाँ हाँ, तो सर ये दो बार काउंट नहीं, काउंट सिर्फ एक ही बार, मैंने क्या बोला है
मैंने जब शुरू में आपको कंडीशन का बताना था कि हाउस वाइफ जो रहा कि एट लीस्ट वन इज टच होनी चाहिए मैक्सिमम कितनी हो सकती है तो ये मैक्सिमम जब कॉर्नर है ना जो यहाँ पे ग्रिड बना रहा है ना तो दो साइड टच करेगी ना उसकी दो साइड टच करेगी तो आप तो तीन साइड कैसे टच कर सकते हो क्योंकि आपको वहाँ बैठे खाना नहीं खाना पाँच निकल ठीक है आपको निकलना है सिर्फ आप एक में से निकल सकते हो दो से निकल सकते हो दूसरा तीसरा क्या था आप उसके कॉर्नर से निकल सकते हो सिर्फ एक ही कंडीशन में काउंट नहीं होना वो क्या है आपका जब कॉर्नर कॉर्नर तो काउंट नहीं करता ये सेकंड क्वेश्चन क्या था जी टू बी ठीक है जी टू बी जाना था ठीक है अब ये वाला मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स तो इसी में था सबसे इजी रास्ता तो यही था बस तुम्हारे कोई हाउस नहीं मिला तो क्या दूसरा क्या दिख रहा है यहाँ से जा नहीं सकते कहाँ से निकलेंगे जब हम फ्री से निकल ही गए हैं ना तो कोई दूसरा हाउस देखेंगे ही नहीं दूसरा हाउस हम देखेंगे ही नहीं कोशिश करेंगे डिस्टेंस हाँ और दिक्कत आती है कि नहीं हमारे को ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कि कहीं यहाँ से और यहाँ भेज दिया और बोल दिया गया डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कौन सा होगा दो पार्ट आ गए और दोनों पार्टों को गिनने बैठे एक दो तीन चार पाँच छः तब तक गिनते रहोगे इसके कितने क्वेश्चन होंगे सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी पार्ट में जा रहे हो ठीक है इस बॉक्स के अंदर मूव कर रहे हो ठीक है ना अगर कोई भी बात आप रिपीट नहीं कर रहे हो मतलब तो आगे पीछे नहीं जा रहे हो जैसे इसमें आप कहे आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो भी सेम डिस्टेंस लोगे यहाँ से ऐसे जाके भी सेम डिस्टेंस लोगे कोई से रास्ते जा रहे हो सेम अगर आप बात रिपीट नहीं कर रहे हो और उसी बॉक्स के अंदर चल रहे हो तो आपकी डिस्टेंस की कोई फर्क नहीं पड़ेगा जैसे इस क्वेश्चन में देखो आप इससे आए तो भी सेम डिस्टेंस की और इससे आए तो भी डिस्टेंस अब बात आती कि अगर यहाँ कोई हाउस होता कोई हाउस होता ठीक है ना तो कौन सा पार्ट लेते ठीक है नंबर ऑफ टर्न तो आपको गिनने नहीं है कि इसके तुम ले रखो देखो दिमाग में तुरंत कैलकुलेट करने कि पहला टर्न यहाँ कितने कॉर्नर बन गए दो तीन और इस वाले में कितने थे सिर्फ एक तो हमारा आंसर क्या होगा उस कंडीशन में सेकेंड हम इस चीज से क्या चीज समझ पाई डायगोनल कोई कंसेप्ट नहीं होता डायगोनल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि डायगोनल होना चाहिए डायगोनल के नियर होना चाहिए डायगोनल कॉन्सेप्ट हमने लिया था कि इसके आसपास रहेगा तो हमारा शॉर्टेस्ट होगा सिर्फ हम हमारी सुविधा के लिए हमने ये किया था ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि डायगोनल के नियर होना चाहिए आरआर भी आपको कभी नहीं देगा कि आपको डायगोनल के नियर चाहिए उसको कोई मतलब थोड़ी ना डाया उनको तो रास्ता कैसे चाहिए इजी रास्ता चाहिए तो मतलब मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स तो ऐसे एक चीज़ समझ में आई कि डायगोनल और मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स में किसको प्रेफरेंस देनी है टर्न्स को पहले प्रेफरेंस देनी उसके बाद नंबर ऑफ फोर क्या बोलते डायगोनल का क्लियर होगा ठीक है इस वाले में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है क्लियर सर टू क्यों नहीं है टू क्यों होगा क्योंकि इसमें एक टर्न है ना डायगोनल के लिए कौन सा है ऑब्वियसली थ्री डायगोनल से तो हमको ये अप्रोच करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स होना चाहिए अच्छा खासा वेटेजेस क्वेश्चन का 40 नंबर बहुत ज़्यादा मजा आएगा सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपकी एक अच्छी आएगी कोई दिक्कत नहीं एवरेज सबसे एवरेज सबसे बेस्ट जो आता था वो आता था बिगर ऑर्डर का उसमें एवरेज के 100% चांस आप 100% उसमें ला सकते हो लानी ही है प्रैक्टिस सबसे बड़ी बात है कि अगर एग्जाम भी पोस्टपोन्ड होता है ना तो प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है दिन में एटलीस्ट एक या दो सेट तो आपको लगाने लगाने आपकी प्रोफिशिएंसी आ गई जैसे कि आप इन टाइम कर रहे हो और आप इस घमंड में निकल गए कि हाँ यार हो तो रहे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना ये वाला घमंड बिल्कुल छोड़ देंगे भूलिए भी मत करना कि दो तीन दिन पहले उठा लेंगे कुछ नहीं होगा जो आज शुरू कर रहे हो ना जीरो से वापस वही जीरो से स्टार्ट होगा क्योंकि सवालों में एक्यूरेसी तो आएगी आपकी एक्यूरेसी फर्क नहीं पड़ेगा पर स्कूल में बहुत फर्क पड़ जाता है एक दिन भी फर्क पड़ जाएगा आपके और नहीं माने तो एक बार ट्राई कर लेना भी तो टाइम है दो चार दिन छोड़ दो फिर दोबारा स्टार्ट करना ठीक है पता चल जाएगा सबसे बड़ी बात है कि अभी नहीं छोड़नी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता है ठीक है तो प्रैक्टिस करते रहना कोई भी एक दो सेट निकाल लिया कोई दिक्कत नहीं कंफ्यूजन क्रिएट हुआ तो डाल दिए सेंड कर दिए ठीक है सर प्यार पार्टी बोली की वजह है सब दिमाग से हर कुछ सर एक सेम मेटेरियल होती है कल जो आपने टाइमिंग बताया था 10 मिनट बताया था उसका
थी जिसका कॉन्सेप्ट होता है कल वाले कल वाले तो बुक्स में सर 6 मिनट या 7 मिनट वेरी करता 7 से 10 मिनट देगा आपके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन पता क्या होता है कि कभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करेगा तो टाइम भी कम पड़ता है क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है उनका टाइमिंग सर आरआरबी के पेपर्स में देखा था 30 क्वेश्चंस आरआरबी के जितने पेपर्स दिए गए ना बुक्स में एक पेपर दिए सारे पे एक फॉर्मूला में लिखा होता है मेमोरी बेस्ड कोई ऐसा बंदा है जो उसको याद करके आ जाएगा जैसे 4 सेट याद करके आ सकता है कोई बंदा है क्या कि आके मेरे को बता देना कि 4 सेट दे देते टाइमिंग का तो पता रहता है पर एक्चुअली में टाइमिंग का मैं बता रहा हूँ आरआरबी टू आरआरबी भी वेरी करती है ठीक है ना और सेट टू सेट भी वेरी करती है समझो 10 मिनट होते हैं उसमें ठीक है कल मैंने कहा 10 मिनट होते हैं उसमें और 30 क्वेश्चन होते हैं ठीक है और मैं तो यही बोलूंगा कि इन टाइम करो कम टाइम में करो क्योंकि टाइम कम होगा आपके लिए तो नहीं हो रहा ना टाइम कम होगा सबके लिए कम हो रहा है ठीक है अगर आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे और एक्यूरेसी के साथ कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी कि बोल रहा मैंने आपको बोला है ना पर ये वाला क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 3.5 मिनट लगाओगे ऐसे क्वेश्चन अगर आए ठीक है ना और लास्ट हाइएस्ट जो लगेगी जो इसका जो स्टैंडर्ड जो पेपर होगा उसमें लास्ट 4.5 मिनट लगेगा 30 सेकेंड आराम से आराम करना होगा आराम करके ना चेक कर लेना ठीक है ना ठीक है सेकेंड क्वेश्चन आएगा ठीक है थर्ड क्वेश्चन बोलो N to E. N to E. ठीक है N ये रहा और E. ठीक है N to E चलना स्टार्ट किया दो है नहीं यहाँ ठीक है N to E. कितने करना है दो ठीक है दो पे लास्ट दिखा आपको सिक्स जनरल ब्लॉक है L और M ब्लॉक ठीक है अब देखो मैंने 10 क्यों नहीं लिया मैंने 10 पे क्यों नहीं गया मैं 80 का सिर्फ इस रूट पे क्यों निकला ठीक है दिमाग में आया हो कि भाई मैं इधर भी जा सकता था आगे घूम के रस्से भी जा सकता था ठीक है हुआ क्या यहाँ से भी तो घूम सकते थे आप ठीक है यहाँ क्या इधर मुड़ते क्या होगा आपका आपका अप्रोच किधर करना है इन दोनों में जैसे ही आप इस वाले वे से जा रहे हो ना तो कहीं ना कहीं से तो आपको लौटना पड़ेगा ठीक है आपकी डिस्टेंस कितनी से बढ़ गई हेलो गिर के देख लो बोले सारा माउंट कर लो उसी डिस्टेंस बढ़ेगी ठीक है ना जितना हम बाहर जा रहे हैं उतना इनको अंदर आना पड़ेगा सेम डिस्टेंस से क्या होगी हमारी डिस्टेंस में इंक्रीमेंट हो जाएगा ठीक है तो कोशिश ये करनी है कि हम पीछे ना जाए किसी भी कंडीशन में पीछे ना जाए ठीक है तो यहाँ ब्लॉक पर सो कर तुमको वादा रहते हैं तो तुमको जाना ही पड़ता है वो तो एक कंडीशन होगी कि आपको जाना ही पड़ेगा वापस क्योंकि और बस रास्ता तो है नहीं ठीक है कोशिश ये करनी है इधर ही रहना है अंदर ये फॉलो करना है कंडीशन देखी होगी ना आपने फोर्स पड़ा होगा फोर्स में ही होता है तो दो का रिजल्टेंट कहाँ आता है इसमें आ सकता है इधर जाने के लिए हम कोशिश ये करनी है कि हम दो ही फोर्स लगाएं एक इधर एक इधर दो ही एयर फोर्स लगाएं या तो इधर जाए या इधर जाए यहाँ पहुँच ठीक है तो आंसर क्या होगा इसका तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि एबीसीडी ढूंढने में लगा देते हैं हम टाइम ठीक है और जरूर नहीं हम पास जो नहीं कि पैटर्न में यही हुआ एबीसीडी कहीं से भी स्टार्ट करता है यहाँ से ये स्टार्ट करता है यहाँ से भी रिपीट करके चीज़ ये सब आएगा प्रैक्टिस से जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना जल्दी आप जगह पहुँच पाओगे सबसे पहली बात तो यही है कि पहले तो ढूंढना ही है कि हम स्टेशन कहाँ से कहाँ जाना है ठीक है ना जैसे यहाँ से यहाँ गए ठीक है पी से जी ठीक है जाना स्टार्ट किया इधर जा नहीं सकते अब मैंने पहले ही टाइम क्यों नहीं लिया मैं इसको पहले भी टाइम ले सकता था क्योंकि मेरे एक रास्ता देखा कि जब पहुँचने टाइम पर जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ये एक और वे है कि इससे हम जा सकते हैं टाइम तो आंसर क्या था हमारा अभी
क्या है नेक्स्ट क्या वो सुबह से यहाँ पे सेवन यहाँ पे सेवन होता है या ये होता है ठीक है हम ई प्लेट देते हैं इसको सेवन उसमें वो देखो कहीं ना कहीं ऊपर निकलना ही पड़ता है अभी लास्ट है ही ठीक है वो सुबह कॉर्नर भी सेवन कहीं ना कहीं इस कॉर्नर भी सेवन होता ना तो भी 100% इसको नहीं देता कोई ना कोई लास्ट तक निकलने के लिए छोड़ना पड़ता है ठीक है फिर कैसे निकलते हैं यहाँ से अगर वो पेन भी कंसिडर हो जाए नहीं होगा पेन भी कंसिडर पेन भी हो जाए ना वो मैं करवाऊंगा मैं बोला है ना कि कैसे जो दिक्कत नहीं नेक्स्ट जब भी वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगी उसका अच्छा करवाऊंगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है ये कौन सा लॉजिक हुआ कि बाहर ट्रेन जाएगी तो गिर जाएगी ये
ब्लैक है यार, कैसे कट्स किए ढंग से बनाया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला डाउट बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। ये वाला डाउट कब क्लियर किया, एरो स्टार्ट में क्लियर किया था कि एरो आए अंदर, ऐसे अंदर एरो आए तब बाहर वाला काउंट नहीं करना। कौन सा क्वेश्चन है? हाँ चलो कंप्लीट हो, 10 हो गए, ठीक है। करना स्टार्ट कीजिए, टाइम कितने मिनट है? तो चार को चार सेट के लिए कौन सा सक्सेस स्टार्टिंग के चार सेट लगाओ, कितना टाइम है? 7 मिनट काफी है, 5 ही दे दो, 5 ही दीजिए। वैसे तो इतना ही ये भी लगाओ क्योंकि आपको आंसर याद नहीं होंगे इसके, क्योंकि जितने भी सेट लगा लो याद नहीं होंगे आंसर, ठीक है ना। हाँ, ये ऊपर से जितने स्टार्टिंग में चार दे रखे हैं ना, 1 2 लेग हैंड 3 चार, चारों वर्ण है, 7 मिनट दे रहा हो गया, वो भी करना है, ठीक है। हाँ टाइम स्टार्ट है,
Yeah, that's it. What's the simple question that you have?
गया है, सेवन आ भी गया है, तो आपको तो ग्रुप ग्रुप दिखा है सेवन से ज़्यादा होगा तो उसको पहुँचे आप, फिर यहाँ वापस जाना पड़ा यहाँ से आओगे तो दो रूट नहीं आ सकते। मैंने अभी कंडीशन दी है कि आप दो रूट नहीं आ सकते, सेवन पाई जाओ सेवन आप कंसिडर कर चुके हो, फाइव आना नहीं था, दिमाग में आपके वीकली हो जाना चाहिए थे कि फाइव तो नहीं सकते, सेवन तो वही फिफ्थ वन डब्ल्यू टू पी ये कैसे था, ये आठ 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 दिया हुआ हमने ये वाला क्यों नहीं लिया था, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, दो रूप कौन से बड़े थे, दो यहाँ से बाहर जा रहे हैं ना, बाहर जाके हम अंदर आ रहे हैं, ये वाले दो रूप करेंगे, हमने कोशिश ये करनी है कि आपको इन साइड बॉक्स शॉर्टेस्ट रूट के लिए, तो ये चीज़ हमारी टाइम बचाएंगे, ऐसे तो आप बोलोगे हर क्वेश्चन को गिनोगे एक्यूरेसी आएगी, मान रहा हूँ एक्यूरेसी आएगी, बट टाइम लिमिट डिस्टेंस सबसे कम होती है, ये तो आपके बैठ हो जाए इसी से बचने के लिए एक्चुअल दो तीन होती है, दिमाग में चीज़ क्लियर करनी है कि हम डायगोनली क्यों मूव कर रहे थे डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट करने के लिए, ठीक है, सीधी बात है कि हमको इनसाइड द बॉक्स ही मूव करना है, और दो इनसाइड द बॉक्स रूट मोर रिपीट नहीं कर रहे हो तो उनकी डिस्टेंस चेंज होगी, ठीक है, ये ढंग से ये चीज़ दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि वहाँ रूट नहीं गिनने और रूट नहीं गिनने, वहाँ ऐसा भी हो जाता है जैसे मान लो यहाँ तक रूट सेम आ गए, आगे रूट चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ तक तो आपको गिनने ही नहीं, क्योंकि सेम रूट है, क्योंकि अगर आप गिनने भी पड़ जाए तो ये पहले तो गिनने ही नहीं, क्योंकि उसके बाद यहाँ से गिनना स्टार्ट करो, ठीक है, तो यहाँ तक टर्न भी इसमें सेम हो गए, तो यहाँ तक टर्न भी सेम होंगे, इसी तरह कितने टर्न आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ रूट चेंज हो रहे हैं ना वहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है, तो सिंपल चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़े स्टैंडर्ड आएंगे, ठीक है, तो बस वाले टॉपिक में कल करें कि और किसी का क्वेश्चन गलत हुआ है, आंसर भी चेक की हुई किसी क्वेश्चन में गलत नहीं हुआ होगा, ठीक, ये जितने भी शहर दे रखे ना उनका इनकी प्रैक्टिस करके लाने, ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और कल जो स्टार्ट करेंगे इसका थोड़ा स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और सेकेंड आप किसी क्लास या बोल रहे थे कि दो अल्टरनेट क्लास लेनी है रिपोर्टों के साथ, फिर भी बुक करनी है, ठीक है, तो आप अभी नेक्स्ट क्लास में रुक जाना और काम, ठीक है, इस वाले रिपोर्ट ये करवा दिया, उस मॉडर्न आप करवा दूंगा लास्ट टॉपिक का, ठीक है, उसके बाद एक दिन आपको जो भी डाउट हो बता देना मेरे को, ठीक है, फिर आप इस टॉपिक में आपसे डाउट होता है तो वो भी क्लास कर देंगे, ठीक है, आपका रहेगा अल्फाबेटिकल का एक सेट अल्फाबेटिकल का और एक सेट में करवाऊंगा आपके लिए इवन नंबर सिस्टम, एक से दो पहले करना आपकी मेरी क्लास में नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा, ठीक है, आप डेट बना लीजिए आप Thank you.